दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। ये मोबाइल देख रहे हैं, ये है J7 Max G615F और इस मोबाइल को अगर आप Z3 Xbox से या किसी अदर बॉक्स से अगर आप अनलॉक करेंगे तो जब तक आप इसका ADB इनेबल नहीं करेंगे कॉम्बिनेशन फाइल से तब तक आप इस मोबाइल का FRP नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप FD डोंगल से इस मोबाइल को बिना कम्बिनेशन फाइल के विदाउट कम्बिनेशन फाइल आप इस मोबाइल का FRP निकाल सकते हैं वन क्लिक में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो इस मोबाइल के अंदर में गूगल अकाउंट जो है लगा हुआ है, FRP लॉग लगा हुआ है और हम यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट करने के लिए जो आप आगे जाने के लिए नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए हम इसे बैक करते हैं। उसके बाद सबसे पहले करना क्या है आपको कि आप मोबाइल को ऑन करके लगा सकते हैं या तो फिर आप डाउनलोडिंग मोड पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल को ऑन करके लगाया हूँ और इस मोबाइल को ऑटोमेटिकली जो डाउनलोडिंग मोड पर हम EFT डोंगल की मदद से लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे पोर्ट स्कैन करना है। जैसे आप यहाँ पे स्कैन करेंगे उसके बाद आपको मॉडल नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे ये मॉडल नंबर है J7 Max का G615F तो आपको यहाँ पे G615F आपको यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मॉडल नंबर जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया G615F, ये J7 Max का जो है ये मॉडल नंबर यहाँ पे आप दो दिखा रहा है, दो में से आप जो है जिस वाले को मैंने सेलेक्ट किया इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने वर्जन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल को आपको डाउनलोडिंग मोड पर ले जाना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के लिए और ये मोबाइल आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पर चला जाएगा, ठीक है। अगर डाउनलोड मोड पर अगर किसी कारण नहीं जा रहा है आपका तो आप दोबारा जो है मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर जो है मैन्युअली आप जो है लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल को ऑन करके लगाए हैं और मोबाइल को हम ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड पर ले जाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मोबाइल डाउनलोड मोड पर नहीं जा रहा है। तो चलिए हमने मोबाइल का स्क्रीन का जो लाइट ऑफ था इसे मैंने फिर से जो है लाइट को जला दिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ से दोबारा जो है ट्राई करते हैं और इसको डाउनलोड मोड पर ले जाने के लिए। तो चलिए फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा था, ठीक है। तो फिर आप दोबारा मैंने ट्राई किया और ये मोबाइल जो है डाउनलोड मोड पर जा रहा है, ऑटोमेटिक ये मोबाइल डाउनलोड मोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोबाइल जो है स्कैन हो चुका है, ऑटोमेटिकली मोबाइल जो है रिबूट हो चुका है और मोबाइल डाउनलोड मोड पर जा रहा है, ठीक है, मोबाइल डाउनलोड मोड पर आ चुका है। अब इससे जो है हम इसका FRP रिसेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें FRP रिसेट करने के लिए करना क्या है, फिर से यहाँ पे पोर्ट को स्कैन करना होगा दोबारा, जब डाउनलोड मोड पर चला जाएगा मोबाइल तो पोर्ट स्कैन करना पड़ेगा और रिसेट FRP पे हमें यहाँ पे चेक लगाना है और वन क्लिक आप यहाँ देख रहे हैं वन क्लिक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। वन क्लिक FRP पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो बूट करेगा और आपका मोबाइल का जो ADB है, ठीक है, जैसे कम्बिनेशन फाइल से हम लोग ADB इनेबल करते हैं तो ये EFT डोंगल आपका ADB जो है डायरेक्टली जो है इनेबल कर देगा यहाँ से, ठीक है। आपको कोई कम्बिनेशन फाइल की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि वन क्लिक FRP जो है ये ऑटोमेटिकली ADB इनेबल करता है। आप देख सकते हैं मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है और ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होकर ऑन होगा वापस, फिर से ऑटोमेटिकली ये मोबाइल जो है ADB मोड में चला जाएगा और जैसे ADB पोर्ट में जाएगा ये इसका FRP यहाँ से भी रिसेट होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल कंप्लीट अभी ऑन होगा और जैसे कंप्लीट पूरा ऑन होगा ये मोबाइल, पूरा ऑन होने के बाद ऑटोमेटिक इसका ADB पोर्ट बनाएगा और ADB पोर्ट जब बनाएगा ये तो ऑटोमेटिकली इसका पोर्ट पकड़ के जो है और ये मोबाइल जो है इसका FRP ADB मोड में जो है FRP रिसेट हो जाएगा, यानी कि इस मोबाइल में आपको कम्बिनेशन फाइल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया मॉडल नंबर सेलेक्ट करके इसमें जितनी भी मॉडल है ये सारे के सारे मॉडल जो है आपका वन क्लिक में FRP रिसेट हो जाएगा EFT डोंगल से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है इसका ADB इनेबल हो चुका है और यहाँ से ADB FRP रिसेट हो चुका है कंप्लीट। अब हम इस मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस मोबाइल का हम सेटअप कर सकते हैं क्योंकि इस मोबाइल का FRP जो है अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।